किताबें पढ़ो, अपना डोमेन वही रख, ऐसे लोगों के बीच में रहे जिन जैसा हमें बनना है। अगर आपको एक अच्छी जॉब क्रैक करनी है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, गूगल के अंदर, तो जनाब ऐसे सीनियर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहो जिन्होंने वो चीज़ क्रैक करी है। अगर आपको ऐसा व्यक्ति बनना है जिन्होंने लाइफ में भाई शुरुआत में करोड़पति बने हैं, मिलियनेयर बने हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में जाके रहो जिन्होंने उस एज में वो चीज़ फोड़ी हो। क्या हमें ये चीज़ समझ में आ रही है? एट द एंड यार एक चीज़ याद रखना, इस पूरी पृथ्वी पे सिर्फ आप और आपके पेरेंट्स हैं जिन्हें आपकी फिक्र है, दूसरे बाकी सारे व्यक्ति आपको खाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? मैंने सिर्फ पेरेंट्स बोला है, फैमिली भी नहीं बोला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, आपको अवेयर होना पड़ेगा अपनी सराउंडिंग्स के लिए, तो फेलियर्स लो लाइफ में, जितनी जल्दी हमें फेलियर्स मिलेंगे उतना जल्दी हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, डरो मत। और माँ बाप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने दो। मेरे पेरेंट मुझे बोलते थे बेटा बाइक कभी भी मत चलाओ, टू व्हीलर डेंजरस होते हैं, और मैं हमेशा एग्जांपल देता था, पापा धोनी भी तो गाड़ी चलाता है, मतलब बाइक चलाता है, वो तो आज तक नहीं गिरा, वो तो टीम इंडिया का कैप्टन। पापा बोले ठीक है, नहीं समझेगा। फिर एक दिन मैं गिर गया बाइक से, उस दिन ऐसा बढ़िया समझ में आया कि मेरे सारे जो ऐसे थे ना बाइक के चलाने के शौक एकदम से खत्म हुए। हमेशा आपका यार बिजनेस का एक इक्के का पत्ता होता है, हर बंदे का किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में वो स्ट्रांग है, एक हुक्म का इक्के का पत्ता होता है, वो पत्ता कभी किसी को नहीं बताना है, चाहे आपके कोई कितना भी पास आ जाए। चीज़ समझ में आ रही है? क्योंकि यार आपको लाइफ में अगर कोई मारेगा तो वो प्यार से मारेगा। चीज़ समझ में है? कोई यूं बोल दे रहा है भाई तने मारूंगा मैं, तब तो आप भी खड़े हो जाओगे कि ले भाई मार, मैं भी लठ लेके खड़ा हो गया। पर अगर आपको कोई प्यार से पास में आया वो मारेगा आपको, उस व्यक्ति का हमें हमेशा ध्यान रखना है जिंदगी के अंदर। साथ में अगर आपको कॉलेज में रिलेशनशिप में आना है, आने को आ जाओ, कोई बुरी बात नहीं है। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि कितना भी लबे डबे आप रिलेशन रख लेना, 3 साल 4 साल, एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब आपको अपनी फाइनेंशियल साइड पे देखना पड़ेगा। और उस दौरान अगर आप सेम लेवल पे नहीं हो, ठीक है, अगर आप अच्छे फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, तो चीज़ें खराब होती हैं, ठीक है। अगले कहीं माँ बाप आ रहे होंगे, अरे रे रे भाई ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये चीज़ हम नहीं कर सकते। आज के दिन वो बैरियर होते हैं, वो कास्ट वगैरह नहीं होते हैं यार, वो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स प्रैक्टिकल बातें करेंगे तुम्हारे सामने आके। वो ये नहीं बोलेंगे कि एक रोटी के टुकड़े पे हम दोनों अपनी जिंदगी बिता लेंगे, वो बॉलीवुड। एट द एंड यार बी स्ट्रॉन्ग, हैव द करेज टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स, बिकॉज नोबडी एल्स इज गोइंग टू फाइट फॉर यू, एंड इट्स अप टू अस कि यार हम अपनी जिंदगी कैसी जीना चाहते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।